स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक, ये दिसंबर महीने का एडिशन है, जिसमें जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर दिया गया है। तो इसके इस बुक में 812 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जीसीपी अवार्ड जीता है? तमिल। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? पॉल लिंच। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? सेनिस पलासियोस, निकारागुआ। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की है? शेखर कपूर। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? विराट कोहली। सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन बने हैं? एमेट सियर। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुलजी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? वी चंद्रशेखर। पोलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, जिसका नाम है माइका। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हैली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? सर्वानंद सोनोवाल। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? श्रीलंका। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? चिली। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स से एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भारत। भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वर्ष 2023 के रोहिणी नायर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में जारी वर्ष 2023 के हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शिव नादर। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? राजस्थान। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलेंडी और पुरस्कार जीता है? एताना बोनमाती। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? झारखंड। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? नेपाल। आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? चंद्रा।
हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? हेनरिक क्लासन ने। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? रचिन रविंद्रा, न्यूजीलैंड। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? शिमला। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया किसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फातिमा बीवी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य में? ओडिशा। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग दिया गया है? किश्तवाड़ा। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं? कनाडा। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? US वज्र प्रहार। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण। चौवनवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बी और सी दोनों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विराट कोहली। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? फरीदाबाद। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन।
भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? 1037। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? श्रीलंका। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? ग्वालियर। रेलटेल ने दूर संचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? REC लिमिटेड। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? सागर शक्ति। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोन मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है? 8वीं बार। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? IRCTC। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहले निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? इंदौर। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र। 8 नवंबर 2023 को दुनिया में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? नोवाक जोकोविच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? ब्रुसेल्स। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? माधवानी इंस्टीट्यूट। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आर वैशाली। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? पश्चिमी घाट। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इटली। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय। एपिडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? लुलु हाइपरमार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? वैभव सिंह। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़ा स्टेडियम। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? थाईलैंड। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दुबई। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? थ्रॉटल एरो स्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? ब्रिटेन। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली। क्रिकेट से जुड़े
बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? कॉलिंस। चौथे, एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? गौतम गंभीर। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? गुजरात। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? मनु भाकर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? हरियाणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? हरियाणा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? मलेशिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? रणवीर सिंह। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? R.K. गोयल। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? CBSE ने। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बीजिंग। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपन ने। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? गांधीनगर, गुजरात। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डिजी कवच लॉन्च किया गया है? गूगल। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? अड़सठवां, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शुभमन गिल, भारत। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? जीना महसा अमीनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक। क्लॉडिया गोल्ड को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 53। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15B। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 91वां। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नॉर्वे। हाल ही में मैगी जी बाविंडी, लुइस ई ब्रॉस और अलेक्सी आई एकीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन। हाल ही में मोंगी जी बाविंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकियामोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत। कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? नेपाल। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमिला मलिक। रानी दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? 53वां। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? मार्को बेचेजी। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? जापान। पैरा एशियाई पैरा खेलों की पुरुष डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज यादव। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ईरान। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक गौडगिल। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन्स 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उन्नति हुड्डा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? असम। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T16 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शैलेश कुमार। ऑपरेशन चक्र सेकेंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? CBI। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है?
महाराष्ट्र। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। पहले तेलुगु एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। केंद्र सरकार ने 2024 से 2025 सत्र के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपये। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास की मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? उपर्युक्त सभी। स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? मणिकांत एच होगलीधर। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लायर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? NTPC। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधु योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोडमैप तैयार किया है? 5 साल। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? अनुसूचित जाति। कृषि मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? मुकेश अंबानी।
एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28 गोल्ड। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोच्चि। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? स्क्वैश। आईसीसी ने किस क्रिकेटर लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? अजय जडेजा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? यूएस। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? फेडरल बैंक। जीएसटी सहाय इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिडबी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वां। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? 2018 एवरीवन एज ए हीरो। T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को। हाल ही में खबरों में रहा झूलाघाट सस्पेंस ब्रिज किस का संबंध किन दो देशों से है? भारत और नेपाल। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? खान सर। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? फ्रांसिस्को बागनिया। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? दिल्ली। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? निशानेबाजी। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? स्वाति नायक को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? भारतीय तटरक्षक बल। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? मध्य प्रदेश। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20 वनडे और टेस्ट में नंबर वन टीम कौन बन गई है? भारत। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टेचू ऑफ वन नेशन का अनावरण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? 20%। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? पाकिस्तान। एरिका रॉबिन पाकिस्तान।
किस राज्य की पायल बा छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? पंजाब। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। काजी फैज ईशान किस देश की 19वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? पाकिस्तान। किस भारतीय एलायंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ब्रिटेन। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई थी? नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? अर्लिन केली, आयरलैंड। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित होयसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया है? किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? 12। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? बेंगलुरु। किसी वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? प्रवीणा अंजना। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? मोहन बागान एसजी। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है आदित्य L1। वर्ष 2023 के रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? प्रियं सेन। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? भारत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, वह स्थान अब क्या कहलाएगा? शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष देश भर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 2023 में 23 अगस्त को।
पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को। सिक्सटी नाइनवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अल्लू अर्जुन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? इंदौर। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? 6। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? केरल। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? अमित पंघाल। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? अमित पंघाल। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? चेतना मारू। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? एसबीआई लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा है? 4। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? कनाडा। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? कनाडा। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? एला वेलिन वालारिवन। स्किल्स ऑन व्हील पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? दिल्ली। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ब्राजील। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? असम। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? एयरबस। कौन सी विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? एयरबस। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी। नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज।
सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? एस एच प्रणय। एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस्तांबुल। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मिस्र। बीसवें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जकार्ता। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची। 19वीं एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? अमूल। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 9। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिटोची पेमेंट सर्विसेज। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 75। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। चंद्रयान के काउंट डाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? एन वलार मथी। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक। युद्धपुत्र महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? मिस्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? राजकुमार राव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? रेथा थाविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? अनाहत सिंह। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? रतन टाटा। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा।
सत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? नेशनल बायो बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? थर्मन सन्मुगरत्नम। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? दूसरी। पंद्रह अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 77वां। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 77वां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? दुती चंद्र। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 81वीं। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु। Under-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिनिनाद और टबैगो। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? 14,903 करोड़। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? गुजरात। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? PM संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 76। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत। किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तिलक वर्मा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अनवारुल हक काकर। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उल्लास। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी।
हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्तीय एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? निशा विश्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? 500। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू और कश्मीर। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? छठवां। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया? केरल। T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंडिंग कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? 1.29 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? प्रार्थना थुम्बारे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश गुकेश डी एच डी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHAI के द्वारा। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? सी डॉट। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया? जसप्रीत बुमराह। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? गांधीनगर। हाल ही में किस फार्मूला वन खिलाड़ी ने बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया है? सिंगापुर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत Think20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? मैसूर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी के रूप की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? निशा विश्वाल। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 14।
जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर। हैली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। हैली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। कौन बने हैं? सयाजुरुल एजाद इद्रिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? हिसार। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? गौरांशी। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? लीसा फ्रैंकेटी। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? नई दिल्ली। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टी ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? इंडिया। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? थप्पली प्रदीप। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? निरुपति राय। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहरुख खान। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लीजा फ्रेंचेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023। का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए और बी दोनों, शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? चीन। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? चीन। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? मालदीव।
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु तो गृहलक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? राजस्थान। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा सन्स। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रोसोवा। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023। कार्लोस अल्काराज। भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? लक्ष्य सेन। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? जापान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? केवड़िया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञा नंदा। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? IDBI बैंक। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 जुलाई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एस्ले गॉर्डनर ऑस्ट्रेलिया। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 42वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? अस्सीवां। 80। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मार्केटा वोंद्रोसोवा। हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है? यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रॉजिंग उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वानिंदी हसरंगा, श्रीलंका। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस AP शाही। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? 26।
पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? निषाद कुमार। किसने हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पूनिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.4%। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? उत्तराखंड। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट 2023 मंगोलिया। आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन। आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन ने। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? क्रिकेट। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 126वां। शंघाई सहयोग संगठन का नवा स्थायी सदस्य देश कौन बना है? ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? चेन्नई। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ये भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? हम्पी। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। किस मंत्रालय ने GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? केनरा बैंक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत।
विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? नॉर्थन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजर। आईआईटी दिल्ली के शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। अबू धाबी। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की गई है? तंजानिया। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? लालयान ज्वाला चांगते। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आर्यन नेहरा। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभिषेक अवस्थी। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? गुजरात। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? भारत। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत आगरकर। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? EASA। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस को किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता कौन सा संस्करण है? 14वां। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता की एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी।
यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है, जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर क्या रखा है, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, मिजोरम। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नादिरा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो नादिरा खान पाकिस्तान की रहने वाली हैं। राइट आंसर है सी, पाकिस्तान। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, और हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत ने जीता है। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया फर्स्ट नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, श्रीलंका। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा, गोवा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, हरियाणा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, थिपाचा पुथावोंग, थाईलैंड। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, मिस्र। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, इगा स्वैतिक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है, नेपाल। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की है, भारत। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है, चीन। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताया कि यह कहाँ अवस्थित है, अमेरिका में। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुणा पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुरहू उत्सव मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, गीता राव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है, ललिता नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, कोहिमा, नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है, गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, हिमाचल प्रदेश।
किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? चीन। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? सिंगापुर। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब किस जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 का 23 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तेलंगाना। हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 से 24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? केरल। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? पुरुषोत्तम रूपाला। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य और यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? नौसेना। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? केरल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? IIT मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? अहमदनगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सावलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। पूरे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? राजस्थान। भारत G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल। 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पुणे महाराष्ट्र। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे महाराष्ट्र पुणे में।
हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? महाबलीपुरम में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ए और बी दोनों, पाकिस्तान और श्रीलंका में। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? बुल्गारिया। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? केरल। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 31वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? 27 वर्ष के बाद। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 15 पदक के साथ पहले स्थान पर। अरब सागर में उठे बिजरपाय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऋतु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन से स्थान रहा है? IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? असम। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? सूरीनाम। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र में। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? RBI। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? बी चीन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? सऊदी अरब।
किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? नेपाल। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। ऑपरेशन करुणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? फिजी। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस राज्य के प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है? टेफून। तुर्की। हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली अरब महिला कौन बनी है? रियाना फरनाबी। हाल ही में किसी त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह औसला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में सिद्धरमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? डेंगू। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? लिंडा याका रिनो। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंदों में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? नारू मोल चाय वाई थाईलैंड। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? फखर जमान पाकिस्तान। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? लियोन मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी सबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180वें देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 161वां। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? लिंग डिंग लिरोन। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? डिंग लिरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? माड़ा उत्तराखंड। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल।
कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियामक नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? चीन। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? बर्लिन, जर्मनी। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? एडिडास। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? 2000 रुपये। भारतीय सेना की गुजरात को ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सिविलियर डीला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, इस पोत का नाम क्या है? INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने COVID-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है? 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? प्रशांत दामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? मिजोरम। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। रुपला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का 4था संस्करण आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रह की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हैं? 145 उपग्रह हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है? भारत।
जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? 8। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने पुरुष युगल में पदक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? 58 वर्ष। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम या विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट बैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ में मोनलम चिनमो उत्सव आयोजित हुआ है? लेह। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजहा। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? नबीसा उमाल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व कप रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? पहले। लव इन द 1990s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023 से 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? 6.0%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? स्मृति ईरानी। बारह से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 6। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ग्वाटेमाला। ईरान की जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? उपर्युक्त सभी नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? यमन। हाल ही में एंटोनियो कारबाजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? फुटबॉल से।
किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? 5,800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? लियोन मेसी, अर्जेंटीना। हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? ओडिशा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास क्लॉड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तेलिन, एस्टोनिया में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? शिरोमणि अकाली दल। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? भारत और अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? माणा, उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्षीय उम्र में निधन हुआ है? पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है भारत सरकार ने सूडान सूडान से। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सी पर है? न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलीब एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। किस देश ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? केरल। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? देविका मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु। हरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन से पर है? अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भीमराव अंबेडकर को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? साकिबेल हसन, बांग्लादेश। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? बेंगलुरु। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? केन्या। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में।
हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रैपिड एक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तमिलनाडु। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा है? 14। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 325 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 6,000 करोड़। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? मुंबई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? उपर्युक्त दोनों हरदोई और लखनऊ। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? हैदराबाद। अज्ञात समूह की पहचान के लिए डीएनए। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? कर्नाटक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? 142.86 करोड़। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा एल्सा क्या है? चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेव लॉन्च किया है? टोयोटा। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। किस देश ने अपनी आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? जर्मनी। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? USA। हाल ही में किस राज्य में कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है? तमिलनाडु। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? कोलकाता। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 5। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश।
किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। पशु संरक्षण के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? आम आदमी पार्टी। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? हर्षल पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सांख्यिकी। सी राधा कृष्ण राव को ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्स ऐप लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने BHORoxa ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? राजस्थान। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? शाहरुख खान। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में कौन से पर रहा है? अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए और बी दोनों, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम। भारत की किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? संजीता चानू। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? चीन। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.30%। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल फोर्ट का अधिग्रहण किया है? अदानी ग्रुप। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित छेत्रीय। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? एडमिरल आर हरिकुमार। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन टू के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LVM3M3। वन वेव इंडिया मिशन टू के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम है LVM3M3।
एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है? पंजाब एवं हरियाणा। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? एमटी वासुदेवन नायर। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? गणित। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान। किस देश की टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तमिलनाडु। तमिल। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तमिल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।